हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है और आप लोगों के पास सुबह से लेकर अब तक घटना होने के बाद से जानकारी आने के बाद से लेकर अब तक की भी सूचना होगी, कुछ गिरफ्तारी हुई है, कुछ और हो रही है, ये बिल्कुल भी माफ करने लायक घटना नहीं है। इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ और समय के बाद सारी गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी और सख्त से सख्त सजा उन लोगों को हो, इसकी मांग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बात के बारे में मुख्यमंत्री जी से भी कहा है और प्रशासनिक महकमे से भी इसके बारे में बात हो रही है। इसमें कहीं दो राय नहीं कि बहुत ही शर्मनाक घटना है। जिस देश में अतिथि देवो भवा के कह करके हम लोगों को बुला रहे हैं, वहां इस तरह की घटना किसी महिला के साथ हो जाए तो बहुत ही गलत है। लेकिन अब इसमें जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मैम, आखिर ये छूट कैसे हुई है? चूंकि फॉरेन के कोई भी विजिटर आते हैं तो प्रशासन के तो वो कोऑर्डिनेट में रहते हैं, खास करके जब महिला थी तो इतनी बड़ी छूट कैसे? अब ये तो सभी को जांच का विषय है। सरकार अपनी तरफ से इस बात के बारे में लगी और मुझे मुख्यमंत्री जी खुद इस विषय को देख रहे हैं। थोड़ा सा समय मुझे लगता है कि और प्रशासन को देना चाहिए कि तमाम गिरफ्तारियां और इसमें कोई भी दोषी होगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। विपक्ष पर एकदम लगातार हमलावर है। विपक्ष का अधिकार है कि वो मांग करे, वो कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। महिला का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा बस इतना ही कहना। सख्त से सख्त फांसी तो मुझे लगता है कम है। एक महिला होने के नाते मैं आपसे कह सकती हूँ कि इस तरह की घटना किसी भी महिला को मुझे लगता है जीते जी मार देने, उसको फांसी अगर दे दिया जाए तो शायद आसान है, लेकिन इस तरह की घटना के बाद समाज में रहना और उसको पूरे जीवन उससे परेशानी होती है।